तो दोस्तों आज हो गया है 23 मार्च और 23 मार्च की कई अहम बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो एक एक कर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी CAA और NRC का पूर्जो विरोध करते हैं बिना किसी हिंसा के, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। बता दें आपको कि जनता कर्फ्यू पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के आह्वान का सख्ती से करें पालन। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से जनता कर्फ्यू की प्रधानमंत्री की अपील का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर कोरोना की इस श्रृंखला को तोड़ें और देश को इस महामारी से बचने में अपना योगदान दें। वहीं आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि जनता कर्फ्यू जो लोगों का आंदोलन है वह शुरू हो चुका है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का सख्ती से पालन करने की देश की जनता से अपील करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने देशवासियों से इसमें हिस्सा लेने का आग्रह करता हूं। हम सभी मिलकर कोरोना की श्रृंखला को तोड़ें और सामाजिक दूरी बनाकर एवं स्वयं को अलग रखकर देश को इस महामारी से बचाएं। कोरोना वायरस भारत में लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है और वो इसे रोकने के कई अहम प्रयास लगातार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई भी दवा दुनिया में नहीं बनी है, बस इससे बचना ही इसका इलाज है। इसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार लोगों को जनता कर्फ्यू का हिस्सा बनने की अपील कर रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में 15 जिले बंद, सीएम योगी ने किया ऐलान। वहीं आपको बता दें कि देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है। सीएम योगी ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ समेत बनारस, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिले 25 मार्च तक बंद करने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए गोरखपुर समेत 15 जिलों को प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने मीडिया को संबोधन में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसें ना तो यूपी से बाहर जाएंगी और ना ही दूसरे राज्यों की बसें इन 15 जिलों में आ पाएंगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये बंद 25 मार्च तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरतों का सामान जैसे अनाज, दूध, सब्जी व दवा की सभी सेवाएं खुली रहेंगी। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भी बंद, राज्य में धारा 144 लागू। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित दो लोगों की मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में बंद की घोषणा कर दी है। साथ ही राज्य में रविवार की आधी रात से धारा 144 भी लागू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई में लोकल ट्रेनों, मेट्रो सहित राज्य परिवहन की बसों का परिचालन भी 31 मार्च तक सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में बंद की घोषणा करते हुए कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में स्कूली परीक्षा रद्द की गई है, लेकिन वास्तव में ये हम सब की परीक्षा की घड़ी है। लॉकडाउन के दौरान जीवन नाशक सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं औषधि, सब्जी, दूध और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। ठाकरे ने कंपनी से कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की अपील के साथ ही वर्क फ्रॉम होम करने का आह्वान किया है। तो ये सरकार का काफी बड़ा फैसला है महाराष्ट्र की। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर 31 मार्च तक दिल्ली बंद, सीएम अरविंद केजरीवाल की घोषणा, नहीं चलेंगी निजी बसें, ऑटो रिक्शा व सभी ऑफिस रहेंगे बंद। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली में लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है। रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में अब तक कोरोना के मामले 27 सामने आ चुके हैं, जिनमें से 21 लोग विदेश से आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे से लागू होगा और ये 31 मार्च रात 12 बजे तक प्रभाव में रहेगा। इसी दौरान राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी निजी बसें, टैक्सी व ऑटो, ई रिक्शा और रिक्शा आदि बंद रहेंगे। सभी निजी कंपनियां भी बंद रहेंगी, पर उनके कर्मचारियों को उपस्थित माना जाएगा, यानी उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी। केजरीवाल के मुताबिक
डीटीसी की 25% बसें चलेंगी। सभी दुकानों, बाजारों, फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, गोडाउन, साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हालांकि उन सीमाओं को छूट मिलेगी जहां से दूध और सब्जियों जैसी जरूरी चीजें आती हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि शाहीन बाग में पेट्रोल बम फेंका। कपिल मिश्रा बोले, कल रात आपस में चले लात घूंसे और ये है आपसी गैंगवार। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार यानी 22 मार्च को प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन वाली जगह पर एक पेट्रोल बम फेंका गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने हमला बोला है और कहा कि आपस में ही गैंगवार चल रही है। वहीं आगे उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल रात शाहीन बाग में आपस में लात घूंसे चले, बाद में कुछ लोगों ने एक दूसरे को पत्थर से भी मारा, आज वहाँ पेट्रोल बम फेंका गया, ये आपसी गैंगवार है और कोरोना के चक्कर में लोगों का धंधा बंद हो रहा है। इससे पहले कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि जो काम हजारों मिलिट्री पुलिस लगाकर नहीं हो सकता, वो मोदी जी के एक अपील पर हो रहा है। जनता कर्फ्यू में भारत आज पूरी तरह से बंद है। जिस सड़क पर हर घंटे सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं, पिछले एक घंटे से एक आदमी तक नहीं निकला है। तो ये बीजेपी जनता पार्टी के नेता का काफी बड़ा बयान शाहीन बाग पर आया है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि रेलवे का बड़ा फैसला, कोरोना वायरस की वजह से सभी यात्री ट्रेनें 31 मार्च तक बंद। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के अनुसार लंबी दूरी की सभी एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहे। पता है ब्रह्मास्त्र मूवी की डेट डिले होने का रीजन? अगर नहीं तो जल्दी हेलो एप्लीकेशन से अपडेट करें अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन को। सिर्फ आपको हेलो ट्रेन पर जाके क्लिक करना है एंड जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज जैसे शेयर मार्केट, बॉलीवुड और काफी सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो वेट मत करो, जल्दी से डाउनलोड करो हेलो एप्लीकेशन और अपडेट करो अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रेलवे ने बताया कि रद्द ट्रेनों की सूची में कोलकाता व उपनगरीय ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं रेलवे बोर्ड की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो ट्रेनें 22 तारीख से 4 घंटे पहले चलनी शुरू हुई थी अपने गंतव्य स्थान तक का सफर पूरा करेंगी, उसके बाद उनको 31 मार्च तक रोक दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मालगाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। रेलवे ने कहा कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी, उनकी सेवाएं नहीं रोकी जाएंगी। ये फैसला इसलिए किया गया ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार ना हो सके। वहीं आपको बता दें कि देश में अभी 324 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 मार्च रविवार को इस वायरस के कारण मुंबई और पटना में एक एक और मरीज की मौत हो गई है। उधर पंजाब प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते कुछ दिनों के लिए राज्य के कई जिलों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर और जो है सरकार को लेकर, सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाए गए अमतुल्ला खान, सरकार ने जारी किया आदेश। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमतुल्ला खान को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद से हटा दिया है। इसी को लेकर सरकार की तरफ से बकायदा एक आदेश भी जारी किया गया। अमतुल्ला खान के जरिए 31 फरवरी 2020 के बाद से लिए गए उनके फैसले को सरकार ने निरस्त भी कर दिया है। दरअसल विधानसभा के भंग होने से पहले तक अमतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पद पर संवैधानिक तौर पर थे, लेकिन 11 फरवरी 2020 के बाद विधानसभा के भंग होते ही उनके सारे पावर को सीज कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि अमतुल्ला खान विधानसभा के इलेक्शन होने के बाद वक्फ बोर्ड के ऑफिस आते थे और चेयरमैन के तौर पर वह काम कर रहे थे, लेकिन वह कानूनी तौर पर चेयरमैन नहीं थे क्योंकि दोबारा से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। इस सब के बीच विधानसभा मामलों की
की समिति और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने उनको उनके पद से हटाने का फैसला किया है। पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था, और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकदम करते हैं, और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुतली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले।